हमारे हैदराबाद के दोस्तों, मैं अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों, हैदराबाद शहर पिछले 5 सालों से हर बड़े बिजनेस कंपनी, इंटरनेशनल कंपनियों का सेंटर बन चुका है। सभी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने फैक्ट्रीज, अपने इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, और इन सब के पीछे आपकी समझ, आपकी मेहनत और हम लोग सबका मिलजुल कर एक साथ रहना, एक साथ काम करना, अमन चैन के माहौल को बरकरार रखना, सबके पीछे यही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, कुछ लोग, शरारती लोग, जो पुराने वीडियोस, चाहे वो गल्फ वॉर के वीडियो हो या बॉस्निया चेचनिया के वीडियो हो या और कहीं दूसरे जगह के विदेश के वीडियो हो, उसको सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उन सब वीडियो से हमारे हैदराबाद शहर को कोई मतलब नहीं है। हमारा शहर, हम लोगों के बच्चों का शहर, हम लोगों के लिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस, रोजगार, इसकी अहमियत ज़्यादा है। 5 साल पहले, 10 साल पहले दुनिया के किसी कोने में अगर कुछ हंगामा हुआ, उससे हैदराबाद को क्या मतलब। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के वीडियो को न तो आप सर्कुलेट करें और न ही इसको, इसके बारे में चर्चा करें। यह एक प्लान है उन लोगों का जो हमारे और आपके हैदराबाद शहर को देखकर जलते हैं, जो हैदराबाद की अमन शांति से जिनको परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों के बहकावे में न आए, ऐसे लोगों के जो षड्यंत्र है, जो कॉन्स्पिरेसी है, उससे दूर रखें, और सभी को, अपने बच्चों को, सभी को बताएं कि ये सब प्लान हैदराबाद को डिस्टर्ब करने का, अगर कुछ लोगों के मन में ऐसी साजिश है तो उसको आप और हम मिलकर नहीं होने देंगे। हैदराबाद गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है, और पिछले 5 साल से, खास करके नए स्टेट तेलंगाना बनने के बाद, हम लोग जो पीस और सिक्योरिटी का एक नमूना पेश किए हैं दुनिया में, इसको बरकरार रखना है। और मैं उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर्स को वार्निंग देता हूँ कि अगर आप इस तरह की वीडियो को सर्कुलेट करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपके वीडियो सर्कुलेशन से अगर कोई कम्युनल टेंशन या इस तरह की गलतफहमी पैदा होती है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। और अब टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आप कहीं से फॉरवर्ड करेंगे, 2 दिनों 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से लोग शरीक हैं। तो मैं सबको एक बार फिर से दरख्वास्त करता हूँ, हम लोग हैदराबाद को सुंदर सुंदर शहर बनाकर रखे हैं और इसी तरीके से इसको आगे भी लेकर चलेंगे, हम लोग सब मिलकर रहेंगे। अगर कहीं किसी को कोई डाउट है तो आप हमारे लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं और उनसे ज़रूर बात करें। हम सब आपके सर्विस में हैं, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैं, 24 आवर्स हम आपके सर्विस में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद।